जुलाई 14 रंदु उड़ावने गोंडु भूमिय कक्षेयन्न सेरिदंतु विक्रम लैंडर चंद्रन मेल्मेयल्ली यशस्वियागि इळिदिद्दु भारतद बाह्याकाशदल्ले क्रांतियन्न सृष्टिसलु मुंदागिदे। चंद्रन दक्षिण ध्रुवदल्लि इळिदिरुवंत प्रथम चंद्रयान 3 नौके भारतदल्लि चरित्रेयन्न सृष्टिसिदे। इस्रोविन ई साधनेगे विविध देशगळु कोंडाडिदु भारतद जनर संतस नूर्मडिगोळिसिदे। भारतद हेम्मेय विज्ञानिगळिगे देशदेल्लेडे शुभाशयद महापूरवे हरिदु बरुत्तिदे। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पीपल आर अप्लॉडिंग लेट अस ऑल वेट टू हियर फ्रॉम द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा, द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूएशन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया, और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है, हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ
अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, ऑन दिस जॉयस ओकेजन आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, द पीपल ऑफ एवरी कंट्री एंड रीजन। India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे।
हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है, इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।